substance deposited or liberated at an electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of current passed through the electrolyte. यानी जितनी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी भी सब्सटेंस की बात होती है ठीक है हम इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस कर रहे हैं फॉर एग्जांपल ले ले NaCl का ठीक है हमने NaCl लिया उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में यूज कर रहे हैं तो जो Na है वो डिपॉजिट होगा जो क्लोरीन है वो लिबरेट होगा ठीक है हम गैस के लिए लिबरेट इस्तेमाल करते हैं और जो सब्सटेंस होता है सॉलिड चीज होती है इंपॉर्टेंट चीज होती है जो डिपॉजिट होगी जो इलेक्ट्रोड पे जमा होगी उसके लिए हम वर्ड डिपॉजिट इस्तेमाल ठीक है जो इलेक्ट्रोड पे हमारे पास सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्वांटिटी ऑफ करंट के जो उस इलेक्ट्रोलाइट में से हम पास करेंगे ठीक है जो भी इलेक्ट्रोलाइट हमें लिया है उसमें से हम कितने क्वांटिटी ऑफ करंट पास करेंगे और कितना सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा ये फैराडे का फर्स्ट लॉ डिफरेंट सब्सटेंसेस है डिफरेंट की पोजीशन की अमाउंट डिफरेंट होगी तो कितना क्वांटिटी ऑफ करंट पास करने पर इलेक्ट्रोड पे कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा ये फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है ठीक है इसके हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म क्या थी w डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a इक्वल टू इसमें w हमारे पास वेट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है a हमारे पास करंट इन एम्पीयर है और टाइम t हमारे पास टाइम जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास इक्वल टू प्लस कांस्टेंट बन जाएगा वो कांस्टेंट क्या है z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट आज हम अपने लेक्चर में स्टडी करेंगे कि ये क्या है ठीक है ये हमारा लेक्चर का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट डेफिनेशन से हमारे पास क्या है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड व्हेन 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट यानी जब भी हम अपने इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है वो सब्सटेंस है वो मॉडल फॉर्म जिसमें हम सॉल्यूशन पास कर रहे हैं ठीक है तो जब भी हम अपने इलेक्ट्रोलाइट में से 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज पास करेंगे कितना कूलम 1 कूलम उस 1 कूलम में सब्सटेंस की कितनी अमाउंट इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होती है ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है या जेड कहलाता है ठीक है कि 1 कूलम चार्ज पास करने पर सब्सटेंस की कितनी अमाउंट हमारे पास इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट क्योंकि डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं डिफरेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है नेचर अलग होती है तो डिफरेंट सब्सटेंस की डिफरेंट अमाउंट हमारे पास इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगी तो हर सब्सटेंस का जैसे ये लास्ट पॉइंट देखें ईच एलिमेंट हैज इट्स ओन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट व्हाट डज इट मींस इट मींस कि हर सब्सटेंस z की वैल्यू अलग होगी ठीक है फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम है तो सोडियम का जब मैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का मेरे पास उसमें से जब मैं पास कर रही हूं तो जो करंट पास कर रही हूं तो 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज पास करने पर सोडियम की डिफरेंट अमाउंट डिपॉजिट होगी क्लोरीन डिफरेंट अमाउंट में लिबरेट होगा तो क्लोरीन की z की वैल्यू अलग होगी सोडियम की z की वैल्यू अलग होगी डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं डिफरेंट केमिकल नेचर्स हैं तो डिफरेंट सब्सटेंसेस की डिफरेंट z की वैल्यू होगी ठीक है सिंबल क्या है जैसे आपको पता चल गया सिंबल इसका है z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट का सिंबल है z और इसका यूनिट है किलोग्राम पर कूलम केजी मींस किलोग्राम पर कूलम ये इसका यूनिट किलोग्राम पर कूलम आपके पास यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है फर्दर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल्स इसकी स्टडी करेंगे तो बार बार न्यूमेरिकल में आपके पास ग्राम पर कूलम में वैल्यू दी होती है तो जब भी आपके पास न्यूमेरिकल्स में ग्राम पर कूलम में वैल्यू दी होगी तो आप उसे पहले किलोग्राम पर कूलम में चेंज करेंगे फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यूज करते हुए हम आज सॉल्व करेंगे फैराडे की फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की फर्स्ट एग्जाम्पल पेज नंबर 125 पर है ये आज हम सॉल्व करेंगे तो एग्जाम्पल देखिए अ करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर वाज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट फॉर 1 आवर देखिए आपके पास करंट किसमें दिया हुआ है एम्पीयर में 0.5 एम्पीयर करंट दिया हुआ है आपके पास और 1 आवर टाइम दिया हुआ है आपके पास ठीक है
कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर मेटल डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड. आपको करंट दिया हुआ है, सॉल्यूशन में से आपने करंट पास किया, कितना करंट 0.5 एम्पीयर. किसके सॉल्यूशन में से? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से आपने 0.5 एम्पीयर करंट पास किया एक घंटे के लिए. आपने मास कैलकुलेट करना है कि कितना मास कॉपर का डिपॉजिट हुआ कैथोड पर. ठीक है, कैथोड पे कॉपर का कितना मास डिपॉजिट हुआ और आपके पास जेड की वैल्यू कॉपर की दी हुई है 0.003329 ग्राम पर कूलम. आप इसे यूं भी लिख सकते हैं, आप इसे यूं भी लिख सकते हैं कि जब आप इस पॉइंट को मूव करेंगे टू 1, 2, 3, 4 टाइम्स आपने मूव किया, आप 3 के पास ले हैं, तो जब 3.29 एक्सपोनेंट माइनस 4 ग्राम ही बन जाएगा. ठीक है, जब भी आप पॉइंट को राइट साइड पे मूव कर रहे हैं तो आपके पास वैल्यू एक्सपोनेंट माइनस, आपने 4 डिजिट राइट साइड पे मूव किया तो आपके पास एक्सपोनेंट माइनस 4 ग्राम पर कूलम हो गया. लेकिन आपके पास z की वैल्यू ग्राम पर कूलम में दी हुई है, जबकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि आपके पास z की वैल्यू किलोग्राम पर कूलम में होनी चाहिए. तो आप हम इसे कन्वर्ट करेंगे और टाइम भी आपके पास 1 आवर दिया है, जबकि टाइम आपके पास सेकेंड में होना चाहिए. तो हम टाइम को भी कन्वर्ट करेंगे और हम z की वैल्यू को भी ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे. डेटा आ जाइए, डेटा हमने बनाया, करंट आपके पास 0.5 एम्पीयर दिया हुआ है, टाइम 1 आवर दिया हुआ है और जेड पर कॉपर मेटल 2.29 एक्सपोनेंट माइनस 4 ग्राम पर कूलम दिया हुआ है. पहले टाइम को कन्वर्ट कर ले आवर से सेकंड में, क्योंकि हमारे पास कूलम की डेफिनेशन क्या थी कि द करंट इन एम्पीयर मल्टीप्लाई बाय द टाइम इन सेकंड इज नोन एज कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज. तो करंट आपके पास एम्पीयर में होना चाहिए, टाइम सेकंड में होगा तभी आपके पास कूलम आएगा. तो करंट एम्पीयर में दिया हुआ है, टाइम आवर्स में दिया हुआ है, तो आप इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लें. 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो आप 1 को 2 times 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. दो दफा आप 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए. जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितने सेकंड्स आ गए? 3600 सेकंड्स आ गए आपके पास. फिर आप z की वैल्यू को ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें, कन्वर्ट z फ्रॉम ग्राम टू किलोग्राम. तो आपको पता है जब भी छोटे से बड़े यूनिट में जाते हैं, ग्राम आपके पास छोटा यूनिट है, किलोग्राम बड़ा यूनिट है, जब भी ग्राम से आप किलोग्राम में जाएंगे तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे. अगर किलोग्राम से ग्राम में जाना होता तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन इधर हमने ग्राम से किलोग्राम में जाना है. तो 3.29 एक्सपोनेंट माइनस 4 को 1000 से डिवाइड कर ले, आपके पास क्या वैल्यू आ गई? 3.29 एक्सपोनेंट माइनस 7 किलोग्राम पर कूलम. आपके पास z की वैल्यू भी किलोग्राम में आ गई, आपके पास टाइम भी सेकंड्स में आ गया. अब न्यूमेरिकल फर्दर सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन इसका क्या बनेगा. नाउ डेटा हमने बना लिया, अब डेटा के बाद सॉल्यूशन. आपको पहले डेटा ही लिखना है, उसके बाद सॉल्यूशन लिखना है. मेरे पास जगह कम थी तो इसलिए मैंने डेटा लिखा दिया. सॉल्यूशन आपके पास फैराडे का जो फॉर्मूला है, फर्स्ट लॉ ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म यही थी. हमारे पास क्या थी? W अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A करंट इन एम्पीयर एंड टाइम इन सेकंड्स. जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था तो हमारे पास z कांस्टेंट लगा था. यही मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की हम इस न्यूमेरिकल में यूज करेंगे. z की क्या वैल्यू है जो आपने किलोग्राम में कन्वर्ट करने के बाद लिखनी है? ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर तो ग्राम में दी हुई है, लेकिन डेटा में हमने कन्वर्ट करनी थी. ये हमारे पास किलोग्राम में z की वैल्यू कन्वर्ट की गई है. फिर एम्पीयर हमारे पास 0.5 एम्पीयर गिवन था, टाइम हमारे पास 1 आवर गिवन था, 1 आवर को हमने जब सेकंड में चेंज किया तो हमारे पास 3600 सेकंड्स हो गए. जब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आया? 5.92 एक्सपोनेंट माइनस 4 कूलम किलोग्राम पर कूलम, ये आपके पास आंसर. इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने एक घंटा करंट पास किया, 0.5 एम्पीयर करंट एक घंटे के लिए पास किया, तो कैथोड पे कॉपर की कितनी अमाउंट डिपॉजिट हुई? 5.92 एक्सपोनेंट माइनस 4 किलोग्राम पर कूलम कैथोड पे कॉपर की अमाउंट डिपॉजिट हुई. मास ऑफ कॉपर मेटल डिपॉजिटेड ऑन कैथोड इज इक्वल टू 5.92 एक्सपोनेंट माइनस 4 किलोग्राम पर कूलम. एक घंटे के लिए जब आपने 0.5 एम्पीयर करंट पास किया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से, तो कॉपर मेटल कितना डिपॉजिट हुआ कैथोड पे? 5.92 एक्सपोनेंट माइनस 4 किलोग्राम पर कूलम.
A current of 10 ampere was passed for 15 minutes in a solution of silver nitrate. सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है हमारे पास यानी इलेक्ट्रोलाइट है उसमें से हमने करंट पास किया 10 एम्पीयर 15 मिनट के लिए द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड वाज फाउंड टू बी 1.0062 एक्सपोनेंट -2 किलोग्राम ठीक है जब आपने सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में से 15 मिनट के लिए 10 एम्पीयर का करंट पास किया तो सिल्वर नाइट्रेट कितना डिपॉजिट हुआ इलेक्ट्रोड पर 1.0062 एक्सपोनेंट -2 किलोग्राम कैलकुलेट द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड ऑफ सिल्वर मेटल पिछले न्यूमेरिकल में पिछले एग्जांपल्स में हमें जेड की वैल्यू दी हुई थी और हमें मास फाइंड आउट करना था इस न्यूमेरिकल में हमें मास दिया हुआ है सिल्वर का जो डिपॉजिट हुआ है हमें जेड की वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है डेटा बनाने करंट कितना दिया हुआ है आपके पास 10 एंपियर टाइम कितना दिया हुआ 15 मिनट्स आपको पता है हम कूलम और भी जेड कर सकते जब हमारे पास टाइम सेकंड में हो और करंट एम्पीयर में हो तो हमारे पास टाइम मिनट में तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 900 सेकंड्स हमारे पास आ गए मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट कितना था 1.0062 एक्सपोनेंट -2 किलोग्राम हमारे पास सिल्वर का मास दिया था और कैलकुलेट हमें क्या करना है फाइंड क्या करना है जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट हमें मालूम करना है सॉल्यूशन में हमारे पास फार्मूला क्या था w इक्वल टू z इनटू a इनटू t w वेट z कांस्टेंट ये करंट है एम्पीयर में टाइम टी टाइम है सेकंड में अब इसमें से हमें जेड मालूम करना है फॉर्मूले को आप कैसे अरेंज करेंगे कि आपके पास जेड से मल्टीप्लाई हो रहा है करंट भी और टाइम भी तो आपने जब जेड फाइंड आउट करना है आप इक्वल टू के इस तरफ इस एम्पीयर को भी ले आइए और इस टाइम को भी ले आइए जब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे जेड से तो इक्वल टू के इधर आकर अमाउंट से यानी डब्ल्यू से डिवाइड हो जाएंगे तो जो एम्पीयर है करंट वो भी इधर आके डिवाइड हो गया और टाइम भी इधर आके डब्ल्यू से डिवाइड हो गया आपके पास तो अब आप जेड इक्वली इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं डब्ल्यू की वैल्यू ऊपर रखेंगे नीचे एम्पीयर करंट की और टाइम की वैल्यू रखेंगे आपके पास जेड आ जाएगा सॉल्यूशन देखें ये फॉर्मूला हमने निकाला था अपने फैराडे के लॉ के जो इलेक्ट्रोलाइसिस की जो मैथमेटिकल फॉर्म थी उससे हमने जेड का फॉर्मूला निकाल लिया अब अमाउंट जो W हमें गिवन थी सवाल में वो पुट कर ले 1.0062 एक्सपोनेंट -2 किलोग्राम और डिवाइड करें उससे करंट कितना गिवन है 10 एम्पीयर टाइम हमारे पास 15 मिनट्स था जिसको हमने सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद 900 हो गए सेकंड्स जब ये मल्टीप्लाई करके आपने 10 को 900 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 9000 वैल्यू आ गई फिर 1.0062 को एक्सपोनेंट -2 को डिवाइड किया 9000 से आपके पास वैल्यू आ गई 1.118 एक्सपोनेंट -6 किलोग्राम पर कूलम ये आपके पास z की वैल्यू आ गई z की जो हमारे पास कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ गई ठीक है और इसको अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये चीज आपके पास ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी ये आपके पास ग्राम की वैल्यू है ठीक है जब आप किलोग्राम की वैल्यू को ग्राम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ग्राम पर कूलम में आंसर आ जाएगा दोनों आंसर करेक्ट है एक बस किलोग्राम में है एक आपके पास ग्राम में